बात जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है मंदिर से जुड़ी जानकारी के अभाव में आपके जीवन में कुछ दोष लग रहे हो। हो सकता है आपके घर की सुख शांति उसी के कारण भंग हो रही हो। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मां रुक्मिणी आपका स्वागत करती हूँ हमारे शनिपीठ मंदिर के इस कार्यक्रम में। ग्रहों की बात गुरु मां के साथ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छते तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदध्याम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वस्व ईश्वर के निराकार रूप से कहते हैं कि जो भी भक्त जिस भी देवी देवता का, तीर्थ स्थान का, गुरु का या किसी सिद्ध स्थान का, किसी दरबार का जिस भी रूप में पूजन करता है, आस्था रखता है, उसकी भक्ति मैं परमेश्वर स्वीकार करता हूं। मान लीजिए आप माता लक्ष्मी की भक्ति करते हैं, तो वो जो भक्ति है वो उस एक परमात्मा को, उस ईश्वर को जो कि निराकार है, उस तक पहुंच ही जाती है। जिस प्रकार से एक स्त्री विभिन्न रिश्तों को निभाती है, वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है, सास भी होती है, बहू भी होती है और न जाने कितने रिश्तों को निभाती है, और उन सब की जो डोर है वो प्रेम की डोर है, वो प्रेम ही उसे शक्ति देता है। वैसे ही वो निराकार ईश्वर स्वयं को देवी देवताओं के रूप में अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए विभक्त करते हैं, पर अंतिम जो प्रार्थना है वो उस परम ईश्वर को पहुंच ही जाती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत से लोग हैं मेरे पास आते हैं कि गुरु माँ, अगर हमने इस देवी देवता का पूजन किया तो ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे देवी देवता हमसे नाराज हो जाए। तो ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है, तो जिसकी भी पूजा करो बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी जो अंतिम भक्ति है, अंतिम प्रणाम है, वो उस परम ईश्वर को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक है और वो ही एक है। मूर्ति जब भी लेकर के आए, या मान लीजिए आपके घर में मूर्ति है, आप उनका पूजन कर रहे हैं और वो कहीं से झड़ गई है, टूट गई है, ऐसे में तुरंत ही इसको जल प्रवाह कर दे। ऐसी मूर्ति को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति को कभी भी एकदम कोने में ना रखें, कोशिश करें कि दीवार से एक इंच आगे या उससे भी आगे आपकी मूर्ति हो। अपने पूर्वजों की, अपने पिताजी, माताजी, अपने पितरों की, अपने दादाजी की, नाना जी की, इनकी तस्वीरों को मंदिर या पूजा घर में कभी भी ना रखें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण दिशा में उनकी फोटो लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी मंदिर में ना रखें, क्योंकि वो आपके लिए जरूर पूजनीय है लेकिन अभी देवताओं की समकक्ष नहीं है, वो भगवान की समकक्ष नहीं है, तो इसीलिए मंदिर में उनकी पूजा नहीं होती है। जब भी आप मंदिर बना रहे हैं तो मूर्तियां जहां है उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आपको मूर्तियों के ऊपर कभी भी कुछ नहीं रखना है। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें, हमेशा उसकी सफाई करें, हमेशा जो मुरझाए हुए फूल है वहां ना छोड़ें, जो दीप जो आपका प्रज्वलित किया था आपने वो बुझ गया है, उसकी रुई की बत्ती वहां पड़ी है, उसको भी नियम पूर्वक हटाते रहे। साफ सुथरा मंदिर हमेशा होना चाहिए। जय शनिदेव। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु मात्मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। 9 रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौकरे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं, और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति
शक्ति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश शिशी जी जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शनिदेव। जय शनिदेव। गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु माँ रुक्मणी को रेणुका देवी का प्रणाम, हृदय से सादर नमस्कार। मैंने आप दोनों को वीडियो में यूट्यूब में मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को खोज रही थी तो मुझे आप दोनों का वीडियो मिला। वाइन साउथ अफ्रीका के वाइन बिलेने या वाइन के साथ में और भी वीडियोस मैंने देखे हैं, जैसे न्यूजीलैंड से, यूएसए से और इंडिया से भी लोगों ने आपके बारे में वीडियोस बनाए हैं। मैंने देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैंने इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपने दुख के बारे में बताई हूँ और इतना ज़्यादा मैंने पैसे खर्च किए और शायद 10,000 से 20,000 डॉलर्स मैंने अपने ऊपर खर्च किए, कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी मेरे को ठीक करने वाला नहीं था। सभी ने मेरा पैसा लूटा लेकिन किसी ने भी मुझे ठीक नहीं किया। कितने लोगों ने मुझे लंबे लंबे नियम दिए करने को, झाड़ फूक की, ताबीज बना के दिया और उसमें कोई भी फायदा मुझे नहीं लगा। गुरुजी, मैंने आपको वीडियो कॉल किया और आपसे पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आपसे अपना पांव का दर्द, जो मैं सहन नहीं सकती थी, 3 साल से मुझे सता रही थी, ये मैंने आपसे पहली बार बात की और आपने मुझसे पहली बार कहा कि रेणुका मैं आपकी पूजा शुरू करूं, तो मैंने कहा अच्छी बात है गुरुजी, आप शुरू कीजिए। 3 डेज बाद मुझे डिफरेंस जनाया जब गुरुजी ने मेरा पूजा शुरू किया इंडिया में, तो मुझे बहुत डिफरेंस लगा। 3 डेज तो मैं चल, पीड़ा इतना तो हो रही थी कि पूछो मत। 3 दिन बाद मेरा पीड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगी। 3 हफ्ते बाद जब गुरुजी ने मेरे को एक लॉकेट और रिंग दिया तो उस पहना मुझे बहुत काफी फायदा हुआ। मैंने फिजियो कराई, सर्जन के पास गई, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर को भी अपना पांव दिखाया लेकिन उन्होंने मेरे को ऑपरेशन करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैं टाइप 2 डायबिटिक हूँ, इन्फेक्शन का चांसेस है, इसीलिए मैं पीछे हट गई। मैं जब कार चलाती थी तो मैं कार पे से उतर के लिम होके भचक के चलना पड़ता था। मैं जब अपने जॉब पे टी टाइम पे बैठती थी तो उठती थी तो मुझे इतना दर्द होती थी, तो मेरे स्टाफ पूछ रहे थे क्या हुआ तेरे पैर में, मैंने कहा यूं पीड़ा है। 3 साल मैंने इतना एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, किसी ने भी मेरे पांव को नहीं ठीक किया। बाद में गुरु रजनीश ऋषि ने जब मेरा पूजा शुरू किया, मैं आपको बाद कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी के, आपने मेरा पांव ठीक किया, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया कि माँ मैं शायद जॉब छूट जाएगी क्योंकि मैं कचल नहीं पा रही हूँ, मैं रोती थी, बिलखती थी, इतना रोती थी कि मेरा अब नौकरी चली जाएगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगी और खर्चा कैसे चलेगा, माथे पे मेरा मोगज है, ये कैसा होगा। आखिर मुझे रिजल्ट गुरु रजनीश ऋषि जी ने दिया और गुरु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका बढ़ती होए, भगवान आपको बहुत आशीष दे और आप आगे बढ़ते रहे। यही रेणुका देवी आपसे विनती करती है कि मैं इतनी खुश कि आपने मुझे अपने पैर पे खड़ा किया, आज मैं चल लेती हूँ, मैं अब 8 घंटा भी जॉब पे चल लेती हूँ गुरु जी, और मैं जब मोटर से उतरती हूँ तो मैं सीधे चल लेती हूँ और मुझे पीड़ा नहीं होती है और पहले की तरह मुझे पीड़ा नहीं है। मेरा पैर में है वैसे बहुत कम
पहले की तरह नहीं है। अब तो मैं पहले लिफ्ट से जाती थी, अब मैं स्टेयर्स भी चढ़ के चली जाती हूँ ऊपर। वैसे तो मेरा 4th फ्लोर में है मेरा वर्क, और मैं अब सीढ़ी भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुजी, आप मेरे लिए भगवान हैं, भगवान से भी बढ़ के। आपने जो कुछ किया मेरे लिए, मैं उसको कभी भुला नहीं पाऊंगी। और मैं जो वीडियो को चाहने वाले हैं, जो देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करती हूँ। पहले पहले तो मुझे यही लगता था कि ये रिंग्स में क्या शक्ति है कि जो इंसान के दुख दूर कर सके। जब मैंने अजमाया तो मुझे बहुत फायदा हुआ। सिर्फ मुझे नहीं, मेरी माँ को भी खांसी आ रही थी। गुरु रजनीश ऋषि जी के पास मैंने अपनी माँ को सिर्फ तस्वीर ही भेजी। उन्होंने सिर्फ देख के बताया कि उसके अस्पताल की बीमारी है, और जो खांसी कांस्टेंट आ रही थी, वो खांसी मेरी माँ की कम हो गई है। वो कांस्टेंट नहीं खांसती है अब। और उसके लिए मैं गुरुजी आपको धन्यवाद देती हूँ। और मेरी यही विनती है गुरुजी कि आप बढ़ते रहे, आपकी बढ़ती होए, और आप बहुत ही ऊंचा पहुंचे। रेणुका, आज बहुत खुशी है कि किसी ने 3 साल की पीड़ा आपने सिर्फ 3 हफ्ते में ऐसे ही राइट कर दिया। ये आपकी अंगूठी है और मैंने लॉकेट भी अंदर में पहना हुआ है। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही वीडियो देखने वाले से कहती हूँ कि वो हिम्मत ना हारे और आपके पास आए, और विश्वास करके आए, उनका भी दुख दर्द ठीक होगा। जैसे आज मैं अष्टोलेमा बैठ के और यहाँ से आपके वीडियो देखकर मैंने अमल किया, और आज मेरे को सभी आपके शक्ति से, आपके पूजा से, आज मैं बहुत खुशी कि मेरा पांव ठीक हो गया। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। जय शनिदेव। लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति है अपने किसी मजबूरी के कारण इन नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ। हर पूजा के बाद उस मंत्र को जाप कर लेना। मंत्र ना बोल सको तो अपनी सरल भाषा में बोल लेना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि छमस्य परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हे प्रभु, ना तो हम आपका आवाहन करना जानते हैं, ना ही हम आपका विसर्जन करना जानते हैं, ना ही हम भक्ति जानते हैं, ना क्रिया जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, अज्ञानी हैं। हो सकता है इस पूजा में बहुत सी गलतियां रही हो, बहुत सारी भूल रही हो, लेकिन आप बड़े हैं, हमारे परम पिता है, हमको इन सभी गलतियों के लिए माफ करें, क्षमा करें। आप मंत्र बोल सको तो मंत्र बोल लेना, नहीं बोल सको तो सरल भाषा में क्षमा प्रार्थना कर लेना। जो भी भूल चूक दोष हो रहा होगा उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। आपके गुरुदेव का फोटो भी मंदिर में अवश्य होना चाहिए, और पूजा शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव का गुरु मंत्र हमेशा ही जप करें, क्योंकि जो भी मंदिर का दोष होता है, जो भी पाठ पूजा में कमी रह जाती है, गुरु के आशीर्वाद से वो हमेशा ही पूरी होती है। इसीलिए गुरु को नमन करके ही व्यक्ति को अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। आज के इस वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। आपको आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आपको सुख शांति दे, आपके घर में किसी प्रकार का दोष ना हो, किसी प्रकार की कोई कलह कलेश ना हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।